दोस्तों, क्या आपको पता है इस साल जो धनतेरस आने वाला है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा, खरीदारी कब से कब तक रहेगा? दोस्तों, धनतेरस से जुड़े जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत सारे मिलने वाला है। दोस्तों, आपको दो चीज धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेना, चाहे आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, दो चीज जरूर खरीदना चाहिए। और दोस्तों, धनतेरस में कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो आपको हर हाल में धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं धनतेरस कब है, शुभ मुहूर्त कब है, और दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धनतेरस का त्योहार दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार खुशहाली, समृद्धि और सेहतमंद जीवन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको ध्यान से सुनना है और दोस्तों समझना है। धनतेरस का नाम धन और तेरस से बना है, जिसमें धन का मतलब होता है संपत्ति और समृद्धि है, और तेरस का अर्थ हिंदू कैलेंडर की 13वीं तिथि है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन कुबेर और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर खत्म होगी। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस के लिए 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से रात 8:31 तक रहेगा, यानी धनतेरस के पूजन के लिए 1:42 का समय रहेगा। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। पहला खरीदारी मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:31 तक रहेगा। वही दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। दिवाली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीजें खरीदी जाती है, वह घर में समृद्धि और धन का आगमन करती है। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक और नए उपकरण धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं धनतेरस पर क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर सोने और चांदी या बर्तन की खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घर की साफ सफाई और सजावट करनी चाहिए। तो ही धनतेरस के दिन नहीं कर्ज लेना चाहिए और नहीं कर्ज देना चाहिए। इस दिन अशुद्ध स्थलों पर पूजा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आप धनतेरस पर क्या खरीद रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।